हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे सीआईबी के एबीएम पेपर का मॉड्यूल सी, जिसका जो यूनिट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसका पार्ट टू, जिसमें हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो मेनली जो है इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला है ट्रेडिशनल मेथड्स और दूसरा है मॉडर्न मेथड्स। तो ट्रेडिशनल मेथड्स में फिर 8 तरह के मॉडल दिए हुए हैं और मॉडर्न मेथड में 5 मेथड्स दिए हुए हैं, तो टोटल हमारे 13 मेथड्स हो गए। तो इसमें हम लोग फ्रेंड्स ट्रेडिशनल मेथड्स देखेंगे वन बाय वन करके। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स। इसमें पहला जो दिया है फ्रेंड्स, वो है ट्रेडिशनल मेथड्स में फ्री फॉर्म इजी मेथड, ऐसे मेथड। फ्री फॉर्म ऐसे मेथड जो है, ये एक अनस्ट्रक्चर मेथड है अप्रेजल करने का। तो इसमें अप्रेजर क्या करता है कि वो एक फ्री फॉर्म ओपन एंडेड अप्रेजल करता है अपने एम्प्लॉयज के लिए, और इसमें जो है इस तरीके का सिस्टम दस गिव्स एब्सोल्यूट फ्रीडम टू द सुपीरियर टू राइट अबाउट द जॉब नॉलेज, एम्प्लॉयज एटीट्यूड, डेवलपमेंट नीड्स एट्सेट्रा। तो इसमें जो सुपरवाइजर होता है उसको क्या करना होता है कि अपने जो एम्प्लॉयज के लिए, जिसके लिए वो अप्रेजर कर रहा है, उसके जॉब नॉलेज के बारे में, उसके एटीट्यूड के बारे में, उसके क्या क्या डेवलपमेंट नीड्स हैं उसके बारे में, वो उसको एक लिस्ट तैयार करनी होती है। तो द ड्रॉबैक ऑफ द सिस्टम इज दैट इट कुड लीड टू अ टोटली सब्जेक्टिव इवेल्युएशन एंड कंपैरिजन बिटवीन टू इम्प्लॉयज इज डिफिकल्ट। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव बेसिस पे इसको इवेलुएट करना है, और यहाँ पे किसी भी दो इम्प्लॉय के कंपैरिजन करने में आपको डिफिकल्टी होगी। तो दिस टाइप ऑफ अप्रेजल सिस्टम इज जनरली यूज टू अप्रेज द टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट को अप्रेज करने के लिए जनरली जो फ्री फॉर्म ऐसे मेथड है, ये आपको यूज करना होता है। तो ऐसे मेथड से फ्रेंड समझ लीजिए कि ये एक ऐसे टाइप है, जैसे हम लोग किसी चीज़ पे ऐसे लिखते हैं, तो ये काफ़ी सब्जेक्टिव रहेगा और आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी होंगी, तो इसीलिए इसको फ्री फॉर्म ऐसे मेथड कहा गया है। दूसरा है स्ट्रेट रैंकिंग मेथड। स्ट्रेट रैंकिंग मेथड में क्या होता है, ये भी एक ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट मेथड है। द रिलेटिव पोजिशन ऑफ ईच इम्प्लॉय इज असेस्ड। किसी भी इम्प्लॉय की जो रिलेटिव पोजिशंस होती है उसको इसमें असेस किया जाता है, और उनको उनके मेरिट के बेसिस पे उनको रेट किया जाता है और उनको एक ग्रुप में प्लेस किया जाता है। तो इसके भी ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पे भी आपको जो है एक इम्प्लॉय से दूसरे इम्प्लॉय को कंपेयर करने में डिफिकल्टी होगी। तीसरा है हमारा कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड में क्या है कि इम्प्लॉय इज कंपेयर्ड ऑन सर्टेन सिलेक्टेड फैक्टर्स सच एज लीडरशिप इनिशिएटिव्स। मतलब आप इम्प्लॉय को कंपेयर कर रहे हैं दो इम्प्लॉय को, तो ये जो अर्लियर हमारे दो मेथड हैं उससे ये बेटर है। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर कंपैरिजन मेथड। इसको हम लोग फैक्टर कंपैरिजन मेथड भी बोलते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ इम्प्लॉय इज लार्ज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कंपेयर एंड रैंक देम ऑन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। तो ये क्या फ्रेंड्स कि अगर किसी कम नंबर ऑफ इम्प्लॉयज है उसको एसेस करना है, तो उसके लिए तो ये इजी है, लेकिन अगर ज़्यादा इम्प्लॉयज़ को अगर कंपेयर करना हो तो, और उनको रैंक करना हो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के ऊपर, तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और ये डिफिकल्ट हो जाएगा कंपेयर करने के लिए। फिर नेक्स्ट है ग्रेडिंग मेथड। ग्रेडिंग मेथड में क्या है कि दिस इज अ सिंपल मेथड वेयर सर्टेन फीचर्स आर कंसीडर्ड फॉर ग्रेडिंग सच एज एनालिटिकल एबिलिटी, जॉब नॉलेज एट्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ फीचर्स होते हैं जिनके बेसिस पे इम्प्लॉयज को ग्रेडिंग प्रोवाइड किया जाता है। सर्टेन स्किल्स आर देन डिसाइडेड एंड द एम्प्लॉय इज ग्रेडेड ऑन दोज फीचर्स ऑन द स्किल। तो ये जो पहले फील्ड लिया गया कि एनालिटिकल एबिलिटी, जॉब नॉलेज किसी भी इम्प्लॉय का कैसा है, तो उसके बेसिस पे फिर उनको स्किल्स प्रोवाइड किया जाता है। तो ये स्किल क्या होते हैं, इनको ए बी सी डी करके कैटेगराइज किया गया है। जैसे कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको ए ग्रेड दिया जाएगा, यानी कि उसका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। उससे कम है तो बी ग्रेड दिया जाएगा, वेरी गुड। उससे कम है तो उसको सी दिया जाएगा, एवरेज। और अगर उसका पुअर परफॉर्मेंस है तो उसको डी ग्रेड दिया जाएगा, जो कि बिलो एवरेज को डिनोट करता है। दिस इज ए वाइडली यूज्ड मेथड। ग्रेडिंग मेथड जो है इसको वाइडली यूज किया जाता है। अभी नेक्स्ट है ग्राफिक और लीनियर रेटिंग मेथड। ग्राफिक और लीनियर रेटिंग मेथड क्या है, ये भी कॉमनली यूज्ड मेथड है, और इसमें टू फैक्टर्स के बेसिस पे ग्रेडिंग प्रोवाइड किया जाता है। पहला है एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा है कंट्रीब्यूशन। तो इसको हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, ग्रेडिंग और लीनियर मेथड में दो फैक्टर कौन कौन से हैं, एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक और कंट्रीब्यूशन। ये आपके दोनों तरह के हो सकते हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं और क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं।
इसमें क्या होता है कि जब आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बेस पे अगर किसी को रेटिंग करें तो ये कंटिन्यूअस स्केल पे आपका रेटिंग चला जाता है। तो इसका ड्रॉबैक क्या है कि द सिस्टम इज दैट द रेटिंग जनरली टेंड्स टू बी सब्जेक्टिव। यहाँ पे आपकी रेटिंग जो है वो सब्जेक्टिव हो जाती है। द सिस्टम एज्यूम्स ईच कैरेक्टर्स टू बी इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल जॉब्स। तो यहाँ पे जो है एवरी कैरेक्टर जो है आपके एम्प्लॉयज में वो उसको इक्वली इंपॉर्टेंस दिया जाता है ऑल जॉब्स के लिए। तो इसीलिए ये सब्जेक्टिव, ये भी सब्जेक्टिव इन नेचर है। अभी नेक्स्ट जो है वो है हमारा फोर्स चॉइस डिस्क्रिप्शन एंड फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स। इस मेथड में क्या होता है फ्रेंड्स कि कुछ जो है जो हमारे सुपीरियर हैं जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड करते हैं तो उनको वहाँ यहाँ पे चॉइसेस क्रिएट करने होते हैं। ये चॉइसेस जो होते हैं दैट वहाँ पे जो होता है वो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन स्केल्स तैयार किए जाते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन स्केल्स जो है वो आपके जैसे कुछ डिस्क्रिप्शन होती है किसी भी जॉब परफॉर्मेंस के लिए, तो उसके बेसिस पे ये डिस्ट्रीब्यूशन स्केल्स तैयार किया जाता है। द फैक्टर्स नॉर्मली कंसिडर्स आर जॉब परफॉर्मेंस एंड सुटेबिलिटी फॉर प्रमोशंस। तो ये जॉब परफॉर्मेंस को कंसिडर करता है और कौन सा आपका एम्प्लॉई प्रमोशन के लिए सुटेबल है आप इससे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन द चॉइस डिस्क्रिप्शन मेथड द सुपीरियर इज आस्क्ड टू सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच बेस्ट डिस्क्राइब द एम्प्लॉयज। यहाँ पे कुछ प्री डिटरमाइंड स्टेटमेंट बने होते हैं और सुपीरियर को उनके जो जिस भी एम्प्लॉय को असेस करना है उसके कैरेक्टर के हिसाब से, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से जो उनको बेस्ट डिस्क्राइब करता हो उस एम्प्लॉय को, वो स्टेटमेंट उनको चूज करना होता है। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि द स्टेटमेंट आर प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल। तो लोग को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो उसके बेसिस पे प्री डिटरमाइंड कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि सुपीरियर को वहाँ पे चूज करना होता है जब भी वो किसी एम्प्लॉय को रेट कर रहे हो या एसेस कर रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग उनको अपने चॉइस जो है वो देने होते हैं। तो इसीलिए इसको फोर्स चॉइस डिस्क्रिप्शन एंड फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट है ग्रुप अप्रेजल मेथड। ग्रुप अप्रेजल मेथड क्या है? इम्प्लॉयज आर रेटेड बाई ग्रुप ऑफ अप्रेजर्स कंसिस्टिंग ऑफ ए इमीडिएट सुपरवाइजर एंड थ्री और फोर अदर्स हु हैव सम नॉलेज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द इम्प्लॉयज। यहाँ पे क्या है कि एक अप्रेजर जो है वो आपको अप्रेज नहीं करेगा, यहाँ पे ग्रुप ऑफ अप्रेजर्स रहेंगे जिसमें कि आपके इमीडिएट सुपरवाइजर होंगे या तीन और चार अदर लोग होंगे जिनको कि जो इम्प्लॉय जो परफॉर्म कर रहा है उसके परफॉर्मेंस की उनको नॉलेज हो। इट इज थॉरो मेथड विथ लिस्ट बायस एज इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल रेटर्स। ये थॉरो मेथड है और यहाँ पे बायसनेस जो है वो काफ़ी कम होगी क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रेटर्स जो है आपको रेटिंग प्रोवाइड करेंगे। बट इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लेकिन ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स ये जो थे ये हमारे 8 तरह के ट्रेडिशनल मेथड्स हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। और तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडर्न मेथड्स देखेंगे, इसमें भी 5 मेथड्स हैं। तो ये हम लोगों को फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से करना है क्योंकि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से आते ही आते हैं। तो इसीलिए ये मैं आपको पार्ट वाइज करा रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आपको कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिए, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक करिए। और तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।